खेती की उन्नत जानकारी के लिए गूगल प्ले स्टोर से क्रॉप एक्सपर्ट ऐप डाउनलोड करें। किसान भाई नमस्कार, मैं डॉक्टर एस के त्यागी वैज्ञानिक उद्यान विज्ञान कृषि विज्ञान केंद्र खरगोन में पदस्थ हूँ। किसान भाइयों, आज मैं आपको टमाटर में कीट एवं रोग प्रबंधन के बारे में बताऊंगा। किसान भाइयों, टमाटर की फसल में कीट एवं रोगों से काफ़ी अधिक नुकसान होता है। टमाटर में प्रमुख रूप से यदि कीटों की बात करें तो सफ़ेद मक्खी, थ्रिप्स, लीप माइनर और फल छेदक इल्ली का प्रकोप होता है। रोगों की बात करें तो अगेती झुलसा, पचेती झुलसा, जीवाणु पत्ती झुलसा, साथ में पाउडरी मिल्ड्यू और नेमाटोड का प्रकोप होता है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम कीटों की बात करें तो सफ़ेद मक्खी जो एक प्रमुख कीट है, ये पत्तियों से रस चूसती है, जिसके कारण पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, पौधे की वृद्धि रुक जाती है। एवं जो सफ़ेद मक्खी है जिसको वाइट फ्लाई भी बोलते हैं, वो लीफ कर्ल, टोमेटो लीफ कर्ल वायरस जो रोग होता है, उसको रोगग्रस्त पौधे से स्वस्थ पौधों में ट्रांसफ़र करती है, प्रसार करती है। तो सफ़ेद मक्खी के नियंत्रण के लिए शुरुआत में बर्टिसिलियम लेकेनाई एक जैविक कीटनाशक है, उसकी 800 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करेंगे तो सफ़ेद मक्खी पे आपको नियंत्रण मिलेगा। यदि इसका प्रकोप बढ़ता है तो थायोमेथोक्जाम 25% WG 80 ग्राम प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करेंगे तो सफ़ेद मक्खी पे आपको नियंत्रण मिलेगा। इसके अलावा किसान भाइयों, दूसरी बात करें कीटों की तो मकड़ी एक ऐसा कीट है जो पत्तियों से रस चूसता है, जिसके कारण पत्तियों में कर्लिंग आती है, पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और नुकसान होता है। तो किसान भाइयों, मकड़ी के नियंत्रण के लिए फेनाजोक्विन 10% EC 500 ml प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें, या स्पायरोमेसिफेन एक जो दवा आती है उसका आप 240 ml प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करेंगे तो आपको मकड़ी पे अच्छा नियंत्रण मिलेगा। इसके बाद लीप माइनर की बात करें किसान भाई, तो टमाटर की पत्तियों पे जो सफ़ेद सफ़ेद टेढ़ी मेढ़ी धारियाँ बनती हैं वो लीप माइनर कीट के कारण आती हैं। तो किसान भाई, लीप माइनर के नियंत्रण के लिए सेंटानिली प्रोएल 10.26% OD 360 ml प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करेंगे तो आपको लीप माइनर पे अच्छा नियंत्रण मिलेगा। यदि इल्ली की बात करें तो किसान भाइयों, टमाटर में फल छेदक इल्ली काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। इसके लिए किसान भाइयों, हमारी ये सलाह है कि जब टमाटर की रोपाई करें तो 16 लाइन टमाटर की रोपाई के बाद एक लाइन गेंदा की रोपाई करें, क्योंकि ये फल छेदक कीट की जो मादा होती है वो पीले फूलों की ओर आकर्षित होती है और वो गेंदा के फूलों में अंडे देगी और वहाँ से इल्ली निकलेगी। तो आप है ना उन फूलों को तोड़कर बाहर बाज़ार में बेच सकते हैं या नष्ट कर सकते हैं। इसके अलावा शुरुआत में फलछेदक इल्ली के प्रकोप में नीम तेल 10,000 PPM इसकी 400 ml मात्रा प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करेंगे तो फलछेदक इल्ली पर अच्छा नियंत्रण होगा। यदि इसका प्रकोप बाद में बढ़ता है तो इसके लिए लेमडा साइलोथिन 5% EC इसकी 120 ml मात्रा प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करेंगे तो फल छेदक इल्ली पर नियंत्रण मिलेगा। यदि प्रकोप ज़्यादा बढ़ता है तो इसके लिए क्लोरोपेंट्रीपिनोल 60 ml प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करेंगे तो फल छेदक इल्ली पर आपको अच्छा नियंत्रण मिलेगा। इसके अलावा कभी कभी माहू, जिसको एफिड बोलते हैं, उसका प्रकोप हो जाता है। इसके नियंत्रण के लिए किसान भाइयों, इमीडा क्लोरोपेट 17.8% SL 60 ml प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करेंगे तो माहू या एफिड पे अच्छा नियंत्रण मिलेगा। यदि रोगों की बात करें तो किसान भाइयों, अगेती झुलसा
अर्ली ब्लाइट ये रोग है, इसमें पत्तियों पर धब्बे बनते हैं, अनियमित आकार के धब्बे बनते हैं, बाद में पूरी पत्तियों पर फैल जाते हैं। ये धब्बे बाद में फलों पर भी बनते हैं, जिसके कारण उपज कम मिलती है और फलों की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। तो किसान भाइयों, टमाटर में अगेती झुलसा या अर्ली ब्लाइट की रोग की रोकथाम के लिए टेबुकोनाजोल 50% प्लस ट्राइफ्लोक्सिस्ट्रोबिन 25% WG 140 ग्राम प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करेंगे तो आपको इस पर अच्छे नियंत्रण मिलेगा। इसके बाद पछेती झुलसा, जिसको लेट ब्लाइट बोलते हैं, इसका ये शुरुआत पत्तियों के किनारे से होती है और बाद में पूरी पत्तियाँ झुलस जाती हैं, झड़ जाती हैं और काफ़ी नुकसान होता है लेट ब्लाइट से। ये भी फफूंदजनक एक बीमारी है, फफूंद से फैलती है। इसके नियंत्रण के लिए किसान भाइयों, कापर ऑक्सी क्लोराइड 50% WP इसकी 1000 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ 400 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करेंगे तो लेट ब्लाइट पे शुरुआत में अच्छा नियंत्रण मिलेगा। यदि इसका प्रकोप बढ़ता है किसान भाइयों, तो एजोक्सी स्ट्रोबिन 18.3% प्लस डाइफेनाकोनाजोल 11.4% इसके 200 ml मात्रा प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करेंगे तो आपको लेट ब्लाइट पे अच्छा नियंत्रण मिलेगा। अब किसान भाइयों, हम बात करते हैं जीवाणु पत्ती धब्बा की, जिसको बैक्टीरियल लीफ स्पॉट बोलते हैं। इस रोग में पत्तियों पर काले काले धब्बे बनते हैं, ये धब्बे फलों पर भी बनते हैं, जिसके कारण हमें उपज कम प्राप्त होती है, साथ में फलों की गुणवत्ता खराब होती है, जिससे बाज़ार में कम मूल्य मिलते हैं। किसान भाइयों, जीवाणु पत्ती धब्बा रोग की रोकथाम के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट 90% प्लस टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड 10% SP इसकी 1.5 ग्राम मात्रा प्रति 15 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करेंगे तो जीवाणु पत्ती धब्बा पे आपको अच्छा नियंत्रण मिलेगा। अब किसान भाइयों, बात करते हैं हम पाउडरी मिल्ड्यू की, जिसको भभूतिया रोग बोलते हैं या चूर्णिल आसिता रोग बोलते हैं। इस रोग में क्या होता है किसान भाइयों, पत्तियों पर सफ़ेद चूर्ण जम जाता है, जिसके कारण जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो प्रभावित होती है और अधिक प्रकोप की अवस्था में ये पत्तियां झड़ने लग जाती हैं और टमाटर की फसल को नुकसान होता है। तो किसान भाइयों, टमाटर में पाउडरी मिल्ड्यू की रोकथाम के लिए एजोक्सिस्ट्रोबिन 23% EC 200 ml प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करेंगे तो टमाटर में पाउडर मिल्डू पे अच्छा नियंत्रण मिलेगा। इसके अलावा किसान भाई, टमाटर में एक और रोग आता है जिसको टोमेटो लीफ कल वायरस या जिसको विषाणु रोग बोलते हैं। इसके कारण पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, पौधों की उत्पादन कम हो जाता है और किसान को टोमेटो लीफ कल वायरस से बहुत नुकसान होता है। तो किसान भाइयों, टोमेटो लीफ कल वायरस के लिए मेरी सलाह है कि आप टमाटर में लीफ कल वायरस के लिए जो रेजिस्टेंट वेराइटी हैं, अर्का सम्राट और अर्का रक्षक, ये दो वेराइटी किसान भाइयों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च बेंगलोर से विकसित है। इनका सीड IIHR बेंगलोर के सीड पोर्टल पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। साथ में किसान भाइयों, आप यदि टमाटर के खेत में यदि शुरुआत में लीफ कल के पौधे दिखाई दें तो उनको तुरंत उखाड़ कर खेत से बाहर गड्ढा खोद के उसको दबा दें और इसकी जो बाहक कीट है सफ़ेद मक्खी वाइट फ्लाई, जिसको बेमाइसिया टेबेकाई बोलते हैं, इसके नियंत्रण के लिए शुरुआत में बर्टिसिलियम लेकेनाई 800 ग्राम प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। यदि वाइट फ्लाई का प्रकोप बढ़ता है तो वाइट फ्लाई के नियंत्रण के लिए थायोमेथोक्जाम 25% WG 80 ग्राम प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करेंगे तो आपको वाइट फ्लाई पर नियंत्रण मिलेगा और ये जो लीफ कल रोग की बाहक है, यदि ये बाहक नहीं होगी तो टमाटर में लीफ कल रोग के फैलाव को भी रोकथाम मिलेगी। इसके अतिरिक्त टमाटर में नेमाटोड, जिसको जड़ ग्रंथि सूत्रकृमि बोलते हैं, तो नेमाटोड का प्रकोप होता है, जिसमें यदि हम पौधा उखाड़ के देखते हैं तो पौधे की जड़ों में गांठें बन जाती हैं। गांठे बनने के कारण जो पौधा है जमीन से भूमि से जल और पोषक तत्वों का अवशोषण नहीं कर पाता और उसकी वृद्धि विकास रुक जाता है, उपज कम आती है। तो किसान भाइयों, नेमाटोड के रोकथाम के लिए शुरुआत में आप नीम खली 4 क्विंटल प्रति एकड़ रोपाई के पहले खेत में डालें। इसके अलावा गेंदा जो फसल है, टमाटर की फसल में 16 लाइन के बाद एक लाइन गेंदा की लगाएं, साथ में सिंचाई लाइन
जो टमाटर में जो सिंचाई लाइन है, यहाँ से सिंचाई का पानी जाता है, उस लाइन में भी गेंदे के पौधों का रोपण कर दें। और यदि प्रकोप खड़ी फसल में दिखता है तो कार्बोफ्यूरान 3% CG इसके 13.5 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ आप खेत में डाल के सिंचाई कर दें। यदि प्रकोप बढ़ता है तो फिलोपायरम 34.48% इसके 500 ml मात्रा प्रति एकड़ 400 लीटर पानी में घोलकर यदि जड़ों में ड्रेंचिंग करेंगे तो नेमाटोड पर रोकथाम मिलेगी। इस तरह से किसान भाइयों, यदि आप टमाटर में रोगों का और कीटों का पहचान कर उसका नियंत्रण करेंगे तो आपको जो आपके कीट बीमारी है उसका नियंत्रण होगा और आपको उपज अच्छी मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। खेती की उन्नत जानकारी के लिए Google Play Store से क्रॉप एक्सपर्ट ऐप डाउनलोड करें।